प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के चरखी दादरी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा मुझे खींच कर लाता है। मोदी ने एक बार फिर से धारा 370 के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। पीएम ने कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देते हुए और चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप मुझे चाहे जो भी कह लें, बैंकॉक थाईलैंड से गालियां भी इंपोर्ट करनी है तो कर लीजिए, लेकिन राष्ट्रहित में लिए गए फैसलों को विरोध उनका मत कीजिए और हिंदुस्तान की पीठ में छुरा मत घोपिए। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बेहतर भविष्य के लिए वहां के वास्तविक एकीकरण का फैसला लिया गया और आपकी भावनाओं के अनुरूप अनुच्छेद 370 से देश को मुक्ति दिला दी गई। उन्होंने कहा कि पूरा देश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ आज खड़ा है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता देश और दुनिया में इस निर्णय को लेकर के अफवाहें फैलाने में जुटे हुए हैं। हरियाणा में मेरा वाला कैंडिडेट की परंपरा खत्म हुई है और मेरिट वाला कैंडिडेट की परंपरा शुरू हुई है। अब मेरा वाला नहीं चलेगा, मेरिट वाला चलेगा। ये मेरा वाला कैंडिडेट आखिर कौन था? ये किसी रसूखदार का भतीजा होता था, किसी के गांव का होता था, किसी की पार्टी का होता था, किसी की जाति संप्रदाय का होता था। अब किसी नेता का भाई भतीजा होने की जगह हरियाणा का बेटा होना, हरियाणा की बेटी होना उस पद के लिए योग्यता हो गई है। आपकी भावनाओं के अनुरूप आर्टिकल 370 अब आर्टिकल 370 से भी देश को मुक्ति दिला दी गई। पूरा देश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ आज खड़ा है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता देश और दुनिया में इस निर्णय को लेकर के अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। मेरे कांग्रेस के भाइयों, मोदी पर जो कहना है कहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके हिंदुस्तान आज हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा है, उसकी पीठ में छुरा भोंकना बंद कर दीजिए। लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि देश को लूटने वाले को, मैंने कहा था कि गत 5 साल देश को लूटने वालों को मैं जेल के दरवाजे तक ले आया हूं और आने वाले 5 साल में वो अंदर चले जाएंगे और शुरुआत हो चुकी है। अब जब इनके बड़े बड़े सुरमा तिहाड़ जेल पहुंच रहे हैं तो फिर रोते फिर रहे हैं। हरियाणा के किसान भाइयों बहनों, आप विश्वास कीजिए, हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा, ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है, इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है।